हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का जेन्यून क्लासेस में अगर आपने दसवीं पास कर रखी है और राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं दोस्तों तो जल्द पूरा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नया कैलेंडर आया है 2024-25-25-26 का जिसमें बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी है उसमें दोस्तों एक भर्ती आपके राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती दो जो सीई से बाहर है अगर आपने सीई एग्जाम नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ दसवीं पास इसकी योग्यता है और सरकारी नौकरी है दो के बाद भर्ती दोस्तों आ रही है पूरे कैलेंडर में जिस भर्ती का सबसे पहले एग्जाम हो रहा है वो जेल भर्ती भर्ती है है मतलब पटवारी वीडियो से भी पहले अगर कोई हो रही है, तो राजस्थान की, की संख्या में इसमें पद होंगे दोस्तों पूरी संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि इसकी योग्यता क्या है एज लिमिट क्या है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहां पर दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या है सैलरी कितनी मिलेगी काम क्या करना होगा कहां पर जॉब होगी टोटल पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों जिस प्रकार से राजस्थान कांस्टेबल भर्ती होती है उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपके जेल होती है कारागार उप कारागार होते हैं तो उसमें जेल प्रेरी भर्ती होती है लास्ट टाइम 2017 में भर्ती हुई थी उसके बाद 2024-25 में ये आपकी जो भर्ती है वो होने वाली है दोस्तों तो यहां पर दोस्तों सीईटी से बाहर है सबसे बड़ी बात है सीईटी का झंझट नहीं है सीईटी से बाहर भर्ती है इसमें परीक्षा तिथि यहां पर आ चुकी है एग्जाम डेट आ चुकी है आपको मालूम ही है और संपूर्ण जानकारी इसकी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी जो एग्जाम डेट आई है क्योंकि भाई आपके जिस बार कैलेंडर आया है उसमें एग्जाम डेट भी है और रिजल्ट डेट भी है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई वैकेंसी कंडक्ट होने वाली है कोई एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, है संख्या पूरी -पूरी में भर्ती हुई थी तो बड़ी भर्ती आपके हुई थी यहां पर 9 अप्रैल 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 को इसकी एग्जाम होगी तो आपका दोस्तों आपके पास में नवंबर है आपके पास में दिसंबर है और तीन चार महीने यह है कुल मिला के पांच से छह महीने पास से छ महीने दोस्तों आपके पास में समय है याद रखना अब ये पास से महीने टारगेट करके अगर आप तैयारी करें तो बिल्कुल आप दोस्तों जेल बन सकते हैं क्योंकि कांस्टेबल भर्ती तो है ये तो यहां पर नौ अप्रैल ग्यारह अप्रैल बारह अप्रैल को तो आपकी एग्जाम है ठीक है ना अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म लगा सकता है जिसने सिर्फ दसवीं पास कर रखी है ओनली दोस्तों सेकेंडरी पास कर रखी है दसवीं पास कर रखी है अगर आपने दसवीं पास कर रखी है तो इस भर्ती के लिए फॉर्म लगा सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना चाहिए देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए वो तो आपको होता ही है ना तो यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम अट्ठारह है और मैक्सिमम छब्बीस है ये आयु सीमा मैं आपको बता रहा हूँ जब लास्ट टाइम दो में ये जब भर्ती हुई थी ना उसके समय के अनुसार उसके नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको ये दोस्तों एज लिमिट यहाँ पर बता रहा हूँ अब जो आपके एस सी कैटेगरी है उनको पाँच साल की छूट है यहाँ पर जनरल की जो फीमेल है

के बाद में दोस्तों जो का पर वेतन वेतन है 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 वो वो आपको आपको दे होगा ठीक ना का जो वेतन है, वो आपको मिलेगा और दो साल तक आपको फिक्स वेतन जो है वो आपको दोस्तों मिलेगा तो सैलरी ठीक है अच्छी जॉब है काम वाम ज्यादा नहीं है आपको बताऊंगा इसमें पूरी जानकारी है ना अब ध्यान देते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है भैया इसमें कैसे होगा? तो एक एग्जाम एक है

तो एग्जाम की बात करें लिखित परीक्षा होगी रिटर्न परीक्षा है चार ना, अब मैं आपको कितने क्वेश्चन किसके आएंगे वो भी बताऊंगा सबसे पहले ध्यान रखना है लिखित परीक्षा कितने नंबर की है चार नंबर की है और आपकी शारीरिक दक्षता जो आपके यहां पर फिजिकल होगा वो सौ नंबर का होगा टोटल 500 नंबर की बात है यहां पर 500 नंबर का लेखा जो का है

अच्छी खासी रीजनिंग आती है इस पेपर में है ना 45 आए थे 2017 में और यहां पर एक जीके और जीके और जीके और मतलब जीके, जीके दोस्तों आपका सौ नंबर का है ना वही राजस्थान जाइए यहां पर आप प्रत्येक क्वेश्चन चार अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों मतलब चार में से एक अंक आपका कटेगा चार में से एक अंक आपका दोस्तों गलत हो जाएगा अगर आपका सवाल गलत करते हो तो आपका

तो आपकी हाइट होनी चाहिए एक और अगर आपका सीना होना चाहिए, बिना फूला हुआ तो अड़सठ सेंटीमीटर और फूला हुआ सेंटीमीटर ये मेल के लिए है फीमेल के लिए हाइट तो होनी चाहिए यहाँ पर एक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पैसा यहाँ पर वजन होना चाहिए सैतालीस पॉइंट पांच किलोग्राम तो मिनिमम आपका वेट होना ही चाहिए अब यहाँ पर जो आपके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जो आपका जो यहाँ पर दोस्तों शारीरिक दक्षता होगी इसमें क्या होगा इसमें आपको रनिंग करनी है जो पुलिस में करते हैं वैसे तो मैक्सिमम पच्चीस मिनट में पांच किलोमीटर आपको दौड़ना है जो आप कॉन्स्टेबल में दौड़ते और यहां पर फीमेल को पांच किलोमीटर दौड़ना है पैतीस मिनट में ठीक है ना इनको पांच किलोमीटर पच्चीस मिनट में इनको पैंतीस मिनट में तो आराम से दौड़ सकते हो है ना भाई पुलिस की तैयारी है वो है तो कॉन्स्टेबल ही वो आपके नॉर्मल थाने वाणे में होते हैं या आपके जेल उप में होते हैं ठीक है ना यहाँ पर ध्यान दो तो ये आपका दोस्तों फिजिकल हो जाएगा तो कुल मिला की यही चीजें हैं भैया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका होगा सौ नंबर का ये लिखित पेपर होगा चार सौ नंबर का टोटल पांच सौ नंबर का मैटर है आपका ठीक है ना तो ये काफी बड़ी भर्ती है काफी शानदार भर्ती है लाखों की संख्या में फॉर्म जाएंगे हो सकता है आठ से दस लाख फॉर्म चल जाए तो दसवीं पास भर्ती है सीई का कोई लपड़ा नहीं है तो अभी से तैयारी करो छ महीने हैं पांच से छह महीने आपके पास में है आप लोग चाहते हैं कि जेन्युन क्लासेस इस भर्ती की तैयारी करवाए जैसे कि बाकी भर्तियों की तैयारी करवा रहे हैं आप लोग सौ कमेंट अगर करते हैं

तो बड़ी प्यारी बढ़ती है ठीक है ना इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू